केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सभी सरकार के भरोसे नहीं होता। मेरा मत है कि किसी भी पार्टी की सरकार हो, उन्हें दूर रखो। सरकार विषकन्या होती है, जिसके साथ जाती है उसको डुबा देती है। आप इनके लफड़े में मत पड़ो, सब्सिडी जो लेना है ले लो, पर यह कब मिलेगी, कुछ मिलेगी, इसका कोई भरोसा नहीं रहता। यूपी में गाय की हत्या के मामलों में सीएम योगी के सख्त निर्देश के बाद पुलिस अलर्ट मोड पर आ गई है, ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। उन्नाव में गायों को काट कर उनके अवशेष फेंकने के मामले में उन्नाव पुलिस ने एक आरोपी के पैर में गोली मारी है। पुलिस ने आरोपी को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया है। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले के जसरोटा क्षेत्र में एक रैली को संबोधित करते समय खड़गे अस्वस्थ हो गए थे। चिकित्सीय सहायता मिलने के बाद रैली को संबोधित करते हुए खड़गे ने कहा कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाने से पहले मरने वाले नहीं हैं। इतना जल्दी मरने वाला नहीं हूँ। जब तक मोदी को नहीं हटाएंगे तब तक मैं जिंदा ही रहूंगा। रेल मंत्रालय कुंभ मेले के लिए व्यापक व्यवस्था करने पर काम कर रहा है और जनवरी में प्रयागराज में आयोजित कुंभ मेले के लिए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि प्रयागराज क्षेत्र से रोजाना 140 ट्रेनें चलाई जाएंगी। स्पेशल ट्रेनों के लिए 174 रैक प्लान किए गए। स्पेशल ट्रेनों की संख्या 2019 में 695 से बढ़ाकर 2025 में 992 कर दी गई है। वन नेशन वन इलेक्शन पर सरकार तेजी से कदम आगे बढ़ा रही है। देश में एक साथ चुनाव कराने की इस योजना को अमल में लाने के लिए सरकार द्वारा 3 विधेयक लाए जाने की संभावना है। प्रस्तावित संविधान संशोधन विधेयकों में से एक स्थानीय निकाय चुनावों को लोकसभा और विधानसभाओं के साथ कराए जाने से संबंधित है। रविवार को पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम का 114वां एपिसोड था। इस दौरान उन्होंने कहा कि मन की बात मेरे लिए ऐसी है जैसे मंदिर जाकर ईश्वर के दर्शन करना। पीएम ने कहा कि मन की बात की हमारी इस यात्रा को 10 साल पूरे हो रहे हैं। कुछ भी खरीदेंगे वो मेड इन इंडिया ही होना चाहिए, कुछ भी गिफ्ट देंगे वो भी मेड इन इंडिया ही होना चाहिए। हरियाणा विधानसभा चुनाव के बीच आज सोनीपत पहुंचे असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा, कांग्रेस ने देश के कोने कोने में छोटे मोटे बाबर पाल रखे हैं। हमें ऐसा करना है जैसा अयोध्या में बाबर राज खत्म हुआ, राम राज शुरू हुआ। महीने के आखिरी कारोबारी दिन आज यानी 30 सितंबर को सेंसेक्स 700 अंक से ज्यादा की गिरावट के साथ 84,830 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। निफ्टी में भी 200 अंक की गिरावट है, यह 25,980 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। सबसे ज्यादा शेयर्स रियल्टी सेक्टर के गिरे हैं। महिला टी20 वर्ल्ड कप का आयोजन इस बार यूएई में किया जा रहा है। टूर्नामेंट के शुरू होने से पहले वार्म अप मैचों की शुरुआत हो गई है, जहां भारतीय महिला टीम ने अपना पहला वार्म अप मैच खेल लिया है। इस मुकाबले में टीम इंडिया ने वर्ल्ड चैंपियन टीम वेस्टइंडीज को 20 रनों से हरा दिया है। नेपाल में बारिश के कारण बाढ़ और भूस्खलन में मरने वालों की संख्या बढ़कर रविवार को 170 हो गई है। शुक्रवार से पूर्वी और मध्य नेपाल के बड़े हिस्से जलमग्न हो गए हैं और देश के कई हिस्सों में अचानक बाढ़ आ गई है। बाढ़ और भूस्खलन की वजह से 42 लोग लापता हैं।